एल्विस भाई के लिए सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। देखिए आप सब ठीक हो भाई, सो के उठ चुके हैं, टाइम हो रहा है फिलहाल 8 बज रहे हैं एंड भाई 6 बजे उठ गए थे हम सो के। हमारी नींद पूरी हो चुकी है भाई, बहुत तगड़ी नींद पूरी हुई है। हमारे कल सोए, फिर खाना खाया, फिर शाम को हम थोड़ा सा बाहर गए, बाहर जाने के वापस आके कल सो गए, हमने व्लॉग नहीं किया। और हमने फिर सोचा कि आज हम रुकते हैं, हमें रायता हिल्स कवर करना है, थोड़े से एक्सप्लोर करेंगे उदयपुर, देन फिर हम यहाँ से निकलेंगे चाचाकोटा। चाचाकोटा आपने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ भाई, एक जगह है चाचाकोटा, सर्च करना गूगल पे जाके भाई। मैंने जिस दिन देखा नाम है उस दिन सोच गया था कि यहाँ पे मुझे जरूर जाना है, हम जाएंगे वहां पे कल या मे बी रात को या शाम को हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि आज हमें ना दिन में पहले तो गाड़ी वॉश करानी, क्योंकि गाड़ी का बहुत बुरा हाल हो रखा है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े वपड़े सब कुछ गंदे होते हैं जैसे ही निकलते गाड़ी से। फिलहाल टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, ऊपर चलते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं। तो भाई अपने ड्रोन फुटेज देख ली होगी एंड भाई अभी हम जा रहे हैं भाई, यहाँ तो देखिए कैसे नींद आ रही है। अभी हम जा रहे हैं भाई, पानी प्यास लग रही है और भाई मौसम पता है थोड़ी थोड़ी देर में चेंज हो रहा है यहाँ पे, और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रो। देखियो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ड्रोन उड़ाया था, तब तो धूप निकल रही थी एंड अभी भाई मौसम ठंडा हो रखा है। और तुम देख रहे हो गाड़ी का हाल क्या हो रखा है, देखो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना देखो इतनी ज्यादा मिट्टी लग रखी है इसके अंदर बहुत ज्यादा। और यार देखो ये देखो, ये मैं नहीं चाहता यार गाड़ी इतनी गंदी दिखे यार, मतलब बिल्कुल भी भाई। खाने में देखो यहाँ पोहा, मैगी है, ये क्या है, मैगी है, गरम है तो बहुत ज़्यादा भाई, गरम है बे इसमें। क्या ये क्या है, आलू पूरी सब्जी है, वो आलू पूरी सब्जी खाएंगे तो फेवरेट है हमारी, बस यार अभी है। तो भाई मैं यहाँ ले आया हूँ, एक पराठा का पीस ले आया, तीन पूरी भाजी, हिमांशुर ले रहे, बढ़िया मौज तो देखिए। आप तो मैंने घर नहीं खाया मैंने चाय ले लिया साथ में। तो भाई फिलहाल हम मार रहे हैं भाई गेड़ी उदयपुर के अंदर एंड हम भाई ढूंढते ढूंढ रहे कार वॉशिंग का, एक जगह गूगल लेके गए, वो तो भाई बंद था वहाँ, तो खुल ही नहीं रखा था, मैं गूगल ने काट दिया हमारा। बात करो उदयपुर वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है बट हाँ ठीक है, यहाँ पे भी बंद पड़ा है यार, पता नहीं कैसे उदयपुर में कोई गाड़ी में धोआ के कहीं कार वॉशिंग कर दी स्टार्ट, भाई बहुत गंदी कर रखी है, मगर भाई तो कुछ भी नहीं, बीच में पानी लगवा लिया वरना और बुरा हाल होता। और मैसेज आ रखे हैं कि अज्जू भाई यार आप उदयपुर में हो, मीटअप रखो बेटा, मुझे पता है ये वीडियो आप कल देख रहे होगे एंड जो आपने बोला था कि आप मीटअप रखते हुए चलोगे, तो भाई ऐसा करते हैं मीटअप रखते हुए चलते हैं। तो आज हम रख रहे हैं उदयपुर में मीटअप और फिर आ रहे हैं हम गुजरात में, तो गुजरात में कौन से सिटी में आके मीटअप रखना है, कहाँ पे मिलना है, वो सब आप कॉमेंट कर दो तुम्हारा भाई। अब एक काम करते हैं हम एल्विस भाई के लिए एक छोटा सा प्यार और एक मैसेज लेके चलते हैं कि जिताना है एल्विस भाई को जिताना है, ऐसे कर देना है कि बिल्कुल सिस्टम हैंग कर देना है, कि बिग बॉस वालों को लगे कि भाई क्या तगड़ा सीन है भाई, हो ये क्या हुआ है हमारे साथ, वो बड़ा चीज़ करके चलना है बिल्कुल। देखो देखो जीतेगा तो भाई, बट जिताना भी ऐसा है कि साला आगे चल के कोई रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, ये चीज़ करके चलनी है हमें। तो भाई गाड़ी वॉश करा के हम निकल चुके हैं एंड बारिश भी आ गई है हल्की हल्की, जो कि गाड़ी को ये गंदा करती है, ना तो ये बारिश होती है, ये गाड़ी को सिर्फ गंदा करती है, धूल मिट्टी और जमाती है गाड़ी पे एंड इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। चाचाकोटा तो कल वहाँ मीटअप रखते हैं और उदयपुर से हम कल निकल जाएंगे, बाकी नेक्स्ट हमारा जो मीटअप होगा हमने मैंने बता दिया है, वो होगा हमारा गुजरात में, सूरत में हो, अहमदाबाद में हो, तो जहाँ से आप हो
मैसेज कर दो, कमेंट कर दो। और भाई थोड़ा सा ये भी रखना पड़ेगा मुझे कि आप सबका साथ चाहिएगा, और अपने भाई को जिता के लाएंगे और अपने भाई को डिफेंडर में लेके आएंगे, ठीक है? डन करो तुम्हें सीन भाई। वैसे मीटअप का प्लान था बट फिर मैंने सोचा कि यार मीटअप कैंसिल कर देते हैं, आपको पता है थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से लेके, तो मैंने फिर स्टोरी नहीं डाली प्रॉपर, फिर मैंने हल्का सा हिंट दे दिया क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज आ गए थे। तो मैं यार चलो चलते हैं यार, भाई वेट कर रहे हैं, और मैं सो गया था फिर मैंने टाइम भी नहीं डाला था और इस वजह से, तो भाई अगर देख रहे हो तो सॉरी, मैंने टाइम नहीं डाला, मुझे लगा शाम को मिलूंगा, मैंने टाइम नहीं डाला भाई, जब जब आ गए। बट कोई नहीं भाई, भाई आप सब आए, बहुत अच्छा लगा मिलके भाइयों, सॉरी इंतजार करा आप सब ने, दो बजे का है, दो बजे का है, दो बजे का है, डाल दिया क्या, सॉरी भाई इस चीज के लिए, एंड बहुत अच्छा लगा भाई आप आए। बस तो भाई मैं भाइयों से मिला हूँ उदयपुर में, एंड मीटअप के लिए मेरे से मना कर दिया गया था, मैं वो बताऊंगा आपको ब्लॉग में कि क्या किस लिए मना किया गया था, बट भाई एल्विस भाई के लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। तो भाई सबसे मिलने हूँ, एंड भाई मेन चीज़ था कि मीटअप मैंने रखा था तो स्टोरी डाली, तो एक चीज़ आई थी मेरे पास कि नहीं रखना है, रीज़न कि आपको पता भी थोड़ा सा दंगे वंगे का सीन चल रहा है तो आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हो, इस वजह से तो मेरे पास फोन आ गया था कि सर आप भीड़ इकट्ठी कर सकते हो, मगर अच्छा ही मैं गलत फ्लोर पर आ गया, तो इसलिए फिर मैंने टाइमिंग नहीं डाली, ना मैंने बोला कि इतने बजे यहाँ पर मिलते हैं, सिर्फ मैंने होटल की स्टोरी डाली क्योंकि बहुत लोगों का ऑलरेडी पता था होटल के बारे में, तो इस वजह से रात में जाके हम मीटअप रखेंगे, टाइमिंग और डेट मैं बता दूंगा, सूरत में और अहमदाबाद में वहाँ मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इस वजह से मीटअप पूरी तरह से नहीं रख पाया, जितने लोग आए थैंक यू सो मच, जिनसे नहीं मिल पाया उनसे सॉरी, हाँ भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहो। तो टाइम हो रहा है भाई 7 बज रहे, फिलहाल हमने कर दिया यहाँ से चेकआउट और थोड़े से मैं सो गया था, वापस देख रहा हूँ तो मेरा नींद पूरी जाता है, मैंने भाई जब इतना जल्दी अगर जल्दी उठ जाते हैं ना तो भी दिक्कत है यार, बहुत लंबा दिन होता है भाई, पता लग गया मेरे को आज, इसलिए मगर कल भी जाना है और आज भी जाना है, मगर 3 घंटे का रास्ता है तो अभी निकल लेते हैं, कल का दिन तो हमारा बच जाएगा और कल हम उससे ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लोर कर लेंगे, कल से आपको दिखने वाले बहुत तगड़े वाले ब्लॉग जो कि ट्रैवलिंग के होने वाले, स्पेशली कल के ब्लॉग्स में मज़ा आने वाला है, कल से ब्लॉग मिस मत करना एक भी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम यहाँ तक पहुँचे थे, एंड आज का सीन ये था कि हम दिन में निकल जाते, फिर हमने सोचा यार बस रुक लेते थोड़े देर, तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं बंसवाड़ा, और भाई यहाँ से दिखा रहा है 3 घंटे 3.5 घंटे और 100 कुछ किलोमीटर 150 किलोमीटर के आसपास है, तो मतलब रास्ता छोटा रास्ता है जिस तरीके से टाइमिंग दिखा रहा है भाई, और कल से आपको एक प्रॉपर ट्रैवलिंग वाले व्लॉग्स दिखने को मिलेंगे, बहुत तगड़ा सीन मिलेगा, ड्रोन शॉट और सारी चीज़ें, मज़ा आ जाएगा। और भाई यहाँ के लिए मैंने सोचा था कैंपिंग के लिए, बट मैंने सोचा कि जब पहले एक बार देख आते जगह और जगह अच्छी हुई, और भाई जैसी फ़ोटोज़ में मैंने देखी है ना भाई मज़ेदार, तो चाचा कोटा इसको बोलते हैं, और इसके आसपास का जितने भी जगह है सारी सुंदर है, तो कल वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं, मैंने कि यार हिमांशु सुबह भी निकलेंगे तो और अब भी निकलेंगे, मतलब सच्चा अभी निकल लेते हैं ना, गूगल मैप की एक गलती रहती है, ये छोटे छोटे रस्तों से ले आता है, इसको ये नहीं पता होता गाड़ी भी बड़ी बड़ी होती है भाई, और आगे ट्रैफिक भी होता है और गलियाँ भी छोटी होती है, ये चीज़ नहीं देखता गूगल मैप कभी भी। तब क्या नंग पड़े पर उतरा है गूगल मैप, कितना बुरे रस्ते इन तले के जान लग रहा, देखिए यार, और जो हमें देख रहा हूँ हमें गाड़ी दे रहा होगा, ये कॉन्ट्रा के लिए डोल रहे हैं, मैं गली में पतली पतली में ऊपर तलक टा छोड़ने का डर हो रहा, साइड में तला गया मगर भाई साहब इंगे लेक चलते साइड में, अगर बिल्कुल अरे लेक से जब देखे जब तू आके कहीं अच्छे रास्ते से ले जाती,
रेस्टोरेंट मिला, मगर चलो भोजन तो कर लेते हैं यहाँ पे, मगर खाया नहीं है अच्छे से। तो अभी थाली दी है हमने दो अलग अलग, जिस तरीके का थाली का साइज़ है ना, मुझे लग नहीं रहा है कि इतना हम खा पाएंगे। भाई तुम्हें लग रहा होगा जब थाली आई थी तब भी ऐसी थी, अब वैसे मैं खाता ही बहुत कम हूँ वैसे भी। एंड भाई इतने सारे जब सामने चीज़ें होती हैं ना कन्फ्यूज़ हो जाता है, खाई क्या मैं तो ये खाया सर रोटी खाई। सही में यार थाली में तो पूरी मत नहीं समझ में ना, देखो खाना बहुत अच्छा था एंड मज़ा आ गया खाना खा के, और दाल तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट जब इतना सारा खाना हिमांश वगैरह भाई स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, और लिटरली यार यही चीज़ होती है, और फिर कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि कहाँ से खाना कहाँ से नहीं, और क्या खाना चाहिए इसमें से। सब में एक एक बाइट भी जाती है ना तो वो टेस्ट चेंज होता रहता है, और फिर खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है, मतलब फिर मज़ा नहीं आता खाने में। तो भाई अभी हमें सब्सक्राइबर मिला था, वो कह रहा था भाई जहाँ आप जाए थोड़ा सा वहाँ पे रात में थोड़ा सा ट्रैवल करना रिस्की है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ज़्यादा भी, बट रोकना मत गाड़ी को ऐसे, मतलब मतलब भाई हम रोकेंगे नहीं, हम ऊपर कर जाने देंगे गाड़ी, अगर कोई ऐसी बात भी होगी ना वो तो हम निमट लेंगे बाद में, पर छाती पकड़ निकाल लेंगे गाड़ी फिर हम, मगर भाई जो हो तो जाएगा। भाई एक चीज़ बताऊँ, ये रास्ता है तो पूरा सुनसान ही भाई, और ये मेरे साथ जंगल के बीच में से होके जा रहा है, देखियो आसपास का कुछ ना है ना वैसा कुछ है यहाँ पे। पिछले 15-20 मिनट से हम चल रहे हैं और हमें ना एक भी गाड़ी इस रोड पे नहीं मिली, ना आती हुई ना हमारे साथ जाती हुई कोई गाड़ी, मतलब पूरा रास्ता जंगल के अंदर, थोड़ा सा ऐसा डर सा लग रहा है। बट वो भाई ने जो उससे बोला था ना कि अच्छा भाई थोड़ा देख के जाना, मतलब गाड़ी मत रोकना, तो यार वो वाला सीन मेरे को अब ना नज़र आ रहा है कि वो सही बोल रहा था, ये पूरा जंगल से एरिया जा रहा है। बट देखते हैं सेफ है वैसे तो, देख लेते हैं बाकी जो होगा देखा जाएगा। भाई जैसे ना बारिश की बूंदें आ रही है ना आपको दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी, इनको देख के ना स्नोफॉल की याद आ रही है यार, ऐसा लग रहा है कि मैं पहाड़ों में ट्रैवल कर रहा हूँ और स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, और ये बोलना भी चाहता हूँ मैं, बट कोई नहीं आपको इसी मंथ में हम स्नोफॉल भी दिखा देंगे, चिल करो स्नोफॉल भी पक्का दिखाएंगे। जैसे आ रहा है ना देखो यही चीज़ है ना स्नोफॉल, ओह ले रहा भाई सुन लो, हाँ तो यही चीज़ ना बहुत प्यार लगती है मेरे को स्नोफॉल की, जैसे अब गाड़ी चल रही है रात में और एक तो लाइट पड़ती है ना जब स्नोफॉल दिखती है, बस सुकून मिल जाता है उस टाइम। बट अभी हम रह गए हैं भाई, आप यहाँ से आए 58 मिनट्स दिखा रहा है, 47 किलोमीटर रह गए हैं। देखो रास्ते की बात करें, रास्ता बहुत अच्छा था, ऐसा थोड़ा सा पैच आया था 10-15 किलोमीटर का जो आपको दिखाया था मैंने, सुनसान था, बाकी सब नॉर्मल है, चिल है, बाकी तो आपको दिख रहे हैं साइड में घर है, कोई गाँव है यहाँ पे। एंड यहाँ से क्या है लेफ्ट है कि एक जगह 13 मिनट से, और ये दिखा रहा है यार यहाँ से जल्दी, जहाँ से जल्दी वहाँ से हम जाएंगे क्योंकि हमें जल्दी जाना है यार। वेट वेट वेट, ये हाईवे से उतार के लेके जा रहा है मुझे, और मैं हाईवे से उतरना नहीं चाहता। जिस रास्ते से हम आ रहे थे मेरा सीधा ये वाला रास्ता है, एंड एक जाता है ये वाला, गूगल मैप दिखा रहा है यहाँ से जो लेफ्ट है ये 14 मिनट फास्ट है, ये 14 मिनट स्लो है, तो मतलब कि थोड़ा लंबा है, बट ये रूट अच्छा है भाई। जिस रास्ते में पहले जा रहा था उस रास्ते पर ही जा रहा हूँ क्योंकि इस पर ट्रक्स आ रहे हैं अंडी रोक के लिए, बस ना तो इस रास्ते पे ही जा रहा हूँ मैं क्योंकि मगर इस पर ट्रक्स आ रहे हैं इस रास्ते से, तो ट्रक्स आ रहे हैं तो मतलब सेफ रास्ता है, ट्रक्स वहीं चलते हैं जहाँ पे सेफ होता है तब, और उनको पता होता है रास्ते के बारे में। भाई सच में ना बंदा ना बंदे की जात है इधर, और इस वाला रास्ता तो देखो बहुत अच्छा है, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड एकदम से मक्खन है, बट ना बंदा ना बंदे की जात है, कोई भी नहीं है यहाँ पे कोई भी, और अभी तो फिलहाल टाइम भी कितना हुआ है 11 बजे, अगर थोड़ा सा और लेट हो जाए तो क्या हालत हो इस रास्ते में भाई, है बढ़िया भाई बहुत कैडी चीज़ है रे, विकी डाउन कैडी चीज़। आस पास का मतलब कोई घर भी नहीं है, देखियो कुछ भी नहीं है ब्रो, कुछ भी दूर दूर तक। चलो चलते हैं हम भी भाई, मैंने गाड़ी की स्पीड से ये रखी हुई है, कोई आएगा कोई नीचे है या ऊपर से जाएगा। अभी टाइम हो चुका है भाई 12 बज रहे हैं, एंड मैं ढूंढता घूम रहा हूँ होटल, मैंने ऑनलाइन बुक नहीं किए थे, और एक्चुअली यहाँ पे ना ज़्यादा अच्छे होटल्स का ऑप्शन नहीं है, ये था तो इसमें भी पूरा पैक्ड है क्योंकि यहाँ पे कह रहे कॉर्पोरेट वाले ज़्यादा लोग आते हैं, टूरिस्ट कम आते हैं। एंड तो अभी भाई ने एक होटल और बताया तो उसको और चेक कर लेते, कह रहे सर अभी 3-4 दिन पहले ही वो प्रॉपर्टी ओपन हुई है, तो मैं कहा चलो उस पर एक बार देख लेते, ये तो पूरा पैक्ड है, कह रहे थे सर कल मे बी शायद जगह मिल जाएगी तो कल आप आ जाना, तो वरना तो एक और मैंने देखा है होटल वहाँ पे जाके रुक जाएंगे। भाई तुम आँखों में नींद देख रहे हो कितनी तगड़ी भर रही है, और हिमांशु तो शोभिकर खराटे ले रहा है तो और ज़्यादा नींद आ रही है अपनी, चल रही है यहाँ पे एडिटिंग, और कर देते इस व्लॉग को यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नए तो चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी कल का व्लॉग मिस मत करना, कल का व्लॉग बहुत धांसू होने वाला है, तो मैं तगड़ी चीज़ दिखाने वाला हूँ, मतलब तुम भी कहोगे अज्जू भाई क्या तगड़ी सी चीज़ दिखाई है, और कल थोड़े से अपने स्किल्स आजमाते हैं और मीटअप पक्का डाला गुजरात में ना, तो कल यहाँ से हम सीधे जाएंगे कहाँ पे उज्जैन, तो उज्जैन से कौन कौन है महाकाल बुला रहा है तो हम आ रहे हैं,